कि आपके साथ हमेशा काम करने का मन किसी भी आर्टिस्ट किसी भी टेक्नीशियन का करेगा। दो शब्द इस फिल्म के बारे में बताइए। सभी लोगों का धन्यवाद जो भी लोग आए हुए हैं हमारे इस ऑडियो रिलीज में। मुझे क्या बोलना है, रजीश जी ने सारे चीजें बोल दिया है क्योंकि वो भी एक डायरेक्टर है और सारे चीजों को समझ रहे हैं। मुझे मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमें प्रोड्यूसर दोनों लोग बहुत अच्छे मिले, मुझे सपोर्ट किए और मैं अपनी चीजों को एक अच्छा बना पाया और खेसारी जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ टेक्नीशियंस जो इस फिल्म की बुनियाद हैं, उनमें हमारे कोरियोग्राफर हमारे डांस मास्टर कानोदा, रिस्पेक्टेड कानोदा, प्लीज कानोदा स्टेज पे आए। और इस फिल्म के एक दूसरे कोरियोग्राफर हमारे रिकी मास्टर जी, प्लीज मास्टर जी आप भी आए। रिकी जी प्लीज। कानोदा, जब मैं अपने बेटे शिवम गुप्ता को भी स्टेज बुलाना चाहूंगा, प्लीज शिवम गुप्ता प्लीज कम ऑन स्टेज। कानोदा, दो शब्द इस फिल्म को लेकर के। बस सभी को नमस्कार प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ, बस रजनी जी ने सब बता दिया है और मैं बहुत एक गाना या दो गाना नहीं होता, बस मैंने इसमें जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके म्यूजिक तो इनके बारे में कुछ बोलने कहने की जरूरत नहीं, म्यूजिक बजते ही हम शुरू हो जाते हैं, बाकी कुछ बोलना नहीं। अभी मैं रिकी मास्टर जी को दे रहा हूँ। पहली बार मैं सबसे पहले तो केसारी जी को थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं इस फिल्म के तीन या चार गाने करने वाला था, बाकी कानू जी ही कर रहे थे, बट इनके डेट का प्रॉब्लम हो गया और मेरे नसीब में आ गए वो गाने। तो मैंने कोशिश की कि जो कानू जी दे सकते हैं वो भी मैं भी करके दिखाऊं और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर सब ने मुझ पर विश्वास किया। किसान जी के गाने तो वैसे भी बहुत जान